नमस्कार एंड वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी माय नेम इस पोखराजगिरी वी आर लर्निंग छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज एंड टूडेज टॉपिक इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ नाउ व्हेन आई यूज द टर्म जनरल मतलब सामान्य या तो हम नॉर्मल सा एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं ठीक है तो जनरल मतलब एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दैट मीन्स वी विल नॉट गो इन द डिटेल्स ठीक है तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें बेसिकली आपको जो चीज़ें पढ़नी हैं वो ऑलरेडी आने वाले लेक्चर्स में हैं जिनको आप आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो इस लेक्चर में मोटिव आपका ये होना चाहिए कि जितना भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उस इन्फॉर्मेशन को आपको मेमोराइज कर लेना है ठीक है तो लेट स्टार्ट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अंडरस्टैंड वॉट इज द स्कोप ऑफ लर्निंग इन टू लेक्चर स्कोप ऑफ लर्निंग स्कोप ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि इस लेक्चर में हम कौन कौन सी चीजें सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ नाउ एवरी ऑफ यू माइट बी नोइंग न्यूली फॉर्मड स्टेट मतलब इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स होंगे कि छत्तीसगढ़ किस स्टेट से बना छत्तीसगढ़ कब बना छत्तीसगढ़ कैसे बना तो इन्हीं सब फैक्ट्स को हम एक बार समराइज करेंगे किसमें फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ में सेकेंड हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ जनरल वी लुक एट द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द रिस्पेक्टिव रैंक्स रिलेटेड टू इट फिर हम देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द रिस्पेक्टिव रैंक्स इसके अलावा हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ के स्टेट सिम्बल्स और छत्तीसगढ़ का स्टेट एम्बलम तो ये सारी चीजें जो है आएंगी किसमें जनरल इंट्रोडक्शन में इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन तो हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और उनसे जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट्स और फिर हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीनस रिगार्डिंग द पंचायत्स एंड दुनिसिपैलिटीज इसके अलावा हम एक छोटा सा या बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे छत्तीसगढ़ में लेजिस्लेचर का भी प्राइमरीली हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है दैट मींस राज्यसभा एंड लोकसभा इसमें छत्तीसगढ़ का क्या पार्टिसिपेशन है तो ये रहेगा हमारा जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ नाउ वन मोर थिंग टू बी हियर इज छत्तीसगढ़ को आप बिना मैपिंग के पढ़ पाएंगे ये बात बहुत मुश्किल है ठीक है छत्तीसगढ़ को बिना मैप के पढ़ पाना बहुत मुश्किल है तो हमको बेसिकली छत्तीसगढ़ की मैपिंग सीखनी है तो हम चालू करेंगे छत्तीसगढ़ के बेसिक मैपिंग से जिसमें रहेंगे डिविजन्स डिस्ट्रिक्ट्स इसके अलावा आगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैप पे जानना बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल के लिए छत्तीसगढ़ से ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर पास होता है तो हम मैप पे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर पास होता है द सेम हैपेंस विद द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड आल्सो तो हम देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आईएसटी पास होता है इसके अलावा जनरली एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेटेड टू द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ के नेबरिंग स्टेट्स और उनके साथ बाउंड्री शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स को हम वीडियो में देखने वाले हैं इसके अलावा हम लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स को भी देखेंगे तो लैंड लॉकड डिस्ट्रिक्ट कौन से होते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट जो कि किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री में पार्टिसिपेट ना करें ठीक है लेकिन छत्तीसगढ़ के कंडीशन में लैंड लॉकड डिस्ट्रिक्स क्या होंगे तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि किसी इंटर स्टेट बाउंड्री में पार्टिसिपेट ना करें और ना ही किसी सी को टच करते हों तो ऐसे लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे क्लियर तो ये सारी चीजें जो रहेंगी वो हमारी बेसिक मैपिंग रहेगी जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे उसके बाद हम देखने वाले स्टेट नेबरिंग स्टेट्स और उसके अलावा देखने वाले हैं क्या तो देखेंगे हम छत्तीसगढ़ के लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स क्लियर सो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ नाउ द बेसिक फैक्ट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज कि छत्तीसगढ़ वॉज एक्चुअली फॉर्म्ड एज अ स्टेट ऑन फर्स्ट ऑफ नवंबर 2000. तो सबसे बेसिक फैक्ट है ये डेट जिसको आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ स्टेट कब बना तो फर्स्ट नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस इसका आ गया सेकेंडली अब इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं तो व्हाट वाज़ दी नंबर ऑफ छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ वाज़ एक्चुअली दी ट्वेंटी सिक्स स्टेट ऑफ इंडिया क्लियर आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन किससे हुआ है तो मध्य प्रदेश से हुआ है क्लियर तो दिस इज एक्चुअली द मैप ऑफ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश तो यू कैन सी ईस्टर्न टू साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज एक्चुअली रीऑर्गेनाइज टू फॉर्म दत्तीसगढ़ मतलब मध्य प्रदेश का रीऑर्गे हुआ तो बन गया कौन सा स्टेट छत्तीसगढ़ इस पर्पस के लिए एक एक्ट पास किया गया था क्योंकि मध्य प्रदेश को रीऑर्गेनाइज किया गया तो एक्ट का नाम रखा गया मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू तो क्या नाम है मध्य प्रदेश स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 डन तो हमने क्या देखा तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सबसे पहले कब बना इंडिया का कौन से नंबर का स्टेट था फिर हमने देखा किस स्टेट के रिऑर्गेनाइजेशन से बना और कौन सा एक्ट पास करने पे ये बना क्लियर तो हमने ये देखा कि एक्चुअली मध्य प्रदेश का ये जो साउथ से साउथ ईस्टर्न हिस्सा है दिस वॉज एक्चुअली रीऑर्गेनाइज टू मेक छत्तीसगढ़ तो ध्यान में आपको ये रखना है कि एक्चुअली मध्य प्रदेश का 30.47 परसेंटेज एरिया वॉज टेकन आउट टू मेक छत्तीसगढ़ तो नेक्स्ट फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि छत्तीसगढ़ टुक आउट 30.47 परसेंटेज एरिया ऑफ मध्य प्रदेश क्लियर डन लेट्स सी व्हाट इज द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ तो एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ इज वन थ्री फाइव वन नाइन टू स्क्वायर किलोमीटर्स क्लियर ये फैक्ट आपको बुक में बहुत मिसलीडिंग मिलेगा 191 मिलेगा 195 मिलेगा बहुत सारे ऐसे डेटा मिलेंगे आपको वन थ्री याद रखना है क्लियर है ये तो दिस इज द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ वॉट इज दोटल फिजिकल एरिया ऑफ इंडिया इट इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू थ्री पॉइंट टू मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो अगर मैं टोटल इंडिया के एरिया के हिसाब से देखूं कि छत्तीसगढ़ का एरिया टोटल इंडिया के एरिया का कितना परसेंट है तो इट इज नथिंग बट फोर पॉइंट वन वन परसेंट दैट मीन्स एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ इज फोर पॉइंट वन वन परसेंट ऑफ दोटल फिजिकल एरिया ऑफ इंडिया क्लियर छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्मड इन दर टू थाउजेंड उस समय छत्तीसगढ़ वॉज दार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एस पर एरिया क्लियर तो छत्तीसगढ़ वॉज टेंड नाइनटीन में क्या हुआ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो कि एक्चुअली छत्तीसगढ़ से एरिया में बड़ा था दैट स्टेट वॉज वंस अगेन रीऑर्गेनाइज टू मेक टू सेपरेट यूनियन टेरिटेज जे एन के एक यू, यूटी बन गया और सेकेंड जो है लद्दाख एक यूटी बन गया तो दो यूटी बन गए और सिंस जम्मू कश्मीर वॉज लार्जर देन छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ अपने आप कौन से रैंक पे आ गया तो छत्तीसगढ़ आ गया नाइन्थ रैंक पे तो ध्यान रखना है आपको इफ वी रैंक अमंग दर एरिया छत्तीसगढ़ इज नाउ रैंक नाइन्थ इन इंडिया बट कंडीशन चेंजेस इफ वी कंसिडर बोथ स्टेट एंड यूटीज क्योंकि अभी भी यूनियन टेरिटरी लद्दाख का एरिया छत्तीसगढ़ से बड़ा है मतलब अगर हम स्टेट्स और यूटीज को कंसिडर करें तो छत्तीसगढ़ का रैंक अभी भी टेंथ है क्योंकि लद्दाख अभी भी छत्तीसगढ़ से बड़ा है क्लियर लेकिन अगर सिर्फ स्टेट की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ नाइन्थ है और स्टेट और यूटी की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ क्या है टेंथ है आपको यह चीज ध्यान में रखना है उ लेट स्टॉक अबाउट दी पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज टू डबल फाइव फोर फाइव वन नाइन एट इंडिया का टोटल पॉपुलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन सेंसिस इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है वन पॉइंट टू बिलियन अप्रोक्सीमेटली तो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में है तो इट इज टू पॉइंट वन वन परसेंट और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से रैंक कर दू तो छत्तीसगढ़ इज सेवेंटीन्थ इन इंडिया ये फैक्ट भी आपको बुक्स में मिलेगा सिक्सटींथ लेकिन तेलंगाना का पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सिमेटली थ्री पॉइंट फाइव करोड नाउ एंड पी एस सी हैज स्टार्टड टेकिंग दाउंट ऑफ इट ठीक है इसलिए जो पहले एक साथ आंध्र प्रदेश को लिया जाता था तो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग अलग लिया जाता है और चूंकि तेलंगाना का पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ से अभी भी ज्यादा है इसलिए हम सिक्सटीन से खिसक के आ गए हैं किसपे सेवेंटींथ रैंक पे क्लियर है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट इज द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन छत्तीसगढ़ नाउ फॉरेस्ट एरिया तो आप सभी समझते होंगे व्हाट इज दिस टर्म रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड का मतलब होता है कहीं पे रिकॉर्डेड होगा किसी ने रिकॉर्ड करके रखा होगा तो इन दिस केस रिकॉर्ड कौन करके रखा हुआ है तो रिकॉर्डेड है किसके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट एरिया कितना है तो इट इज 59772 स्क्वायर किलोमीटर्स इन छत्तीसगढ़ क्लियर अगर फैक्ट जल्दी याद नहीं हो रहे हैं तो आराम से इसको आप 60,000 के आसपास याद रख सकते हैं और उसके बाद इसको फिर डिटेल कर लेंगे 59772 स्क्वायर किलोमीटर्स करके और छत्तीसगढ़ का जो टोटल फिजिकल एरिया है मतलब वन इसका कितना परसेंट फॉरेस्ट एरिया है तो इसका 44.21 परसेंट जो है वो है एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ क्लियर नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेट सिंबल्स ऑफ छत्तीसगढ़ तो व्हेन वी रीड इन द बुक्स इन द हिंदी लैंग्वेज तो उसमें स्टेट सिंबल्स जो है उनको हिंदी में लिख दिया होता है और ऑफन उसके बाद हमको इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करने में कंफ्यूजन होने लगता है तो दिस इज बेसिकली वेबसाइट ऑफ एनविस ठीक है, एनविस एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इस वेबसाइट से मैंने लिया है इसमें आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल इज वाइल्ड बफलो क्लियर है तो छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल इज वाइल्ड बफलो वाइल्ड स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ इज हिल मैना क्लियर तो स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ की हिल मैना और स्टेट ट्री है साल क्लियर नो दीज आर सम पिक्चर्स एंड वीडियोस रिलेटेड टू दी स्टेट सिंबल्स सबसे पहले दिस इज द हिल मैना हिल मैना का साइंटिफिक नाम होता है ग्रैक्यूलर रिलीजियोसा पेनसुलरिस क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो ये एक डार्किश ब्लैक कलर में एक बर्ड होती है जिसका बीक ऑफन ऑरेंज कलर में आपको देखने को मिलेगा और इसके नेक के अराउंड में येलो कलर का एक बेर स्किन पार्ट होता है और साथ ही हिल मैना ह्यूमन साउंड्स को बहुत क्लोजली रेजेंबल कर सकती है तो दिस इज हिल मैना विच इज एक्चुअली द स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ वी कैन एक्चुअली सी इन दी उ दलो कलर्ड बेयर स्किन पार्ट रन अराउंड हेलमेना स्टेट एनिमल वाइल्ड बाफलो के कंपेरिजन में वाइल्ड बफलो आर स्टॉकली बिल्ट इनका हाइट भी ज्यादा होता है शोल्डर तक हाइट लगभग साढ़े पांच से छ फिट तक हो जाता है साथ ही इनके फोर हेड पे एक छोटा सा टफ्ट होता है टफ्ट मतलब बाल का एक गुच्छा इनका करंट स्टेटस है कि आई के रेड लिस्ट में इन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में इंक्लूड किया गया है मतलब आज की डेट में बहुत कम क्वांटिटी में वाइल्ड बाफलोस एग्जिस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट इज आवर स्टेट ट्री विच इज साल साल का साइंटिफिक नेम होता है शोरिया रोबस्टा और इसकी क्या स्पेशलिटी होती है तो इसका वुड बहुत हार्ड होता है और इसे कंस्ट्रक्शन पर्पस में टिम्बर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डन तो लेट अस वंस अगेन लुक एट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ आवर स्टेट सिम्बल्स तो स्टेट बर्ड जो है हिल मैना उसका साइंटिफिक नाम है ग्रैक्यूलर रेलिजियोसा पेनसुलिस वाइल्ड द स्टेट एनिमल व्हिच इज

there must be some reason behind declaration of this song as the state song of chhattisgarh so like everybody of us we know that that chhattisgarh is an agro based state and in any agricultural based state the importance of nature is very very high so if we see this song this song beautifully describes the nature and relates it to Chhattisgarh. The first stanza or the opening of this song actually describes about the rivers. That means Arpa peri ke Dhar Mahanadi hai apar. So these rivers are actually some of the important rivers of Chhattisgarh. The next stanza of the song describes about the winds and how it is actually affecting our motherland chhattisgarh if we go ahead listening to the song it also describes about the mountains it also describes about the certain districts and how they are important to chhattisgarh so you can very well conclude that this beautifully explains the whole physiography related to chhattisgarh in a very small time in a very perfect manner and hence it has been declared as the state song of chhattisgarh and the standard timing which has been kept to sing this song is 1 minute and 15 seconds now let us start with the administrative introduction of Chhattisgarh. So imagine a scenario that we have our state Chhattisgarh and we have to administer it. Since this state is 135,000 odd kilometers in area from north to south. The length is approximately 700 kilometers from east to west. The length is approximately 435 kilometers. So, how difficult it would be to administer Chhattisgarh from a single headquarters? So, for the purpose of ease in administration, decentralization has been done. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए जो बड़ा जोग्राफिकल यूनिट होता है उसे हम छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देते हैं जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन तो सबसे पहले जो स्टेट है उसको डिसेंट्रलाइज करके बनाया गया डिविजन एग्जाम्पल के लिए इफ दिस इज छत्तीसगढ़ तो इसे डिवाइड करके हमने बना दिए ये छोटे छोटे डिविजन तो स्टेट के बाद सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हमारे स्टेट में है डिविजन नाउ इफ वी टॉक अबाउट अ डिविजन ऑल्सो तो डिविजन अपने आप में भी बहुत बड़े होते हैं तो वहां से भी उनको सिंगल पॉइंट से एडमिनिस्ट्रेट कर पाना जो है वो क्या है बहुत मुश्किल है तो बेसिकली डिविजन्स को फर्दर सब डिवाइड किया गया किसमें तो डिस्ट्रिक्ट्स में तो इन डिवीज़न को बांटा गया है छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में क्लियर हुआ अब डिस्ट्रिक्ट भी तो अपने आप में बहुत बड़ा है लेकिन डिस्ट्रिक्ट भी तो अपने आप में बहुत बड़ा है तो डिस्ट्रिक्ट को फर्दर सब डिवाइड किया गया है किसमें तो छोटे छोटे तहसील्स में तो ये एक्चुअली है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जिसमें सबसे ऊपर है हमारा स्टेट उसके बाद आया है डिवीजन के नीचे है डिस्ट्रिक्ट और उसके नीचे भी आते हैं क्या तहसील्स तो लेट अस सी हमारे यहाँ डिविजन्स कितने हैं तो छत्तीसगढ़ में डिविजन्स हैं पाँच अभी जस्ट हम आगे देखने वाले हैं इस वीडियो में कि वो कौन कौन से डिविजन्स हैं उसको हम मैप के फॉर्म पे देखेंगे उन पांच डिविजन्स को अगर मिला दे तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने बन जाते हैं तो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है ट्वेंटी एट और टोटल तहसील्स कितने हैं छत्तीसगढ़ में तो टोटल तहसील्स अभी हम मान रहे हैं कि कितने हैं वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर देखिए बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो ये डेटा बहुत ही वेरिड मिलेगा आपको तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि इट वॉज ड्यूरिंग द इलेक्शन दैट सडनली द डिक्लेरेशन ऑफ न्यू तहसील स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़ लेकिन क्या सिर्फ डिक्लेयर करने से नए तहसील्स एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं क्या ऐसा नहीं होता है देर इज अ होल दी प्रोसेस विच एक्चुअली गोज ऑन फ्रॉम द डिक्लेरेशन टू एग्जिस्टेंस तो अभी एक रिपोर्ट आया था रिपोर्ट का नाम था छत्तीसगढ़ एटा ग्लांस टू थाउजेंड नाइनटीन इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है डी एस सी जी द्वारा दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द नंबर ऑफ तहसील्स इन छत्तीसगढ़ हैज बीन टेकन एज वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर तो नेक्स्ट ईयर जब ये रिपोर्ट अपडेट होके आएगा तब हमको एक्चुअली पता चल जाएगा कि अभी तहसील कितने एग्जिस्टेंस में है फिलहाल के लिए हमें कितना मानना है तो हमें वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर ही मानना है इसके बाद एक टर्म आता है ब्लॉक ब्लॉक को हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं इसको बोलते हैं विकास खंड नाउ वेन वी टॉक अबाउट तहसील तो तहसील इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बट इट इज फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट और द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो जैसे जमीन की रजिस्ट्री करना है जमीन को बेचना है या खरीदना है तो जाते कहां है तहसील ऑफिस तो इन एवरी केस गवर्नमेंट जो है उसे रेवेन्यू का अर्निंग या पैसे की अर्निंग होती है सरकार को पैसा मिलता है तहसील से जबकि जो ब्लॉक हैं ये भी एक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ही हैं बट ब्लॉक्स में डेवलपमेंटल वर्क्स चलता है मतलब अगर कोई भी डेवलपमेंटल स्कीम चलेगी तो वो ब्लॉक वाइज चलती है ब्लॉक ए में चलेगी तो ब्लॉक बी में चलेगी तो बाद में ब्लॉक सी में चालू होगी और इस प्रकार से होगा तो रेवेन्यू के हिसाब से हम देखें तो यूनिट है तहसील और अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो है ब्लॉक्स तो छत्तीसगढ़ में अभी ब्लॉक कितने हैं तो ब्लॉक हैं वन हंड्रेड एंड

ग्रीन में रिप्रेजेंटेड है छत्तीसगढ़ का बिलासपुर डिवीजन, ब्राउन कलर में है छत्तीसगढ़ का दुर्ग डिवीजन और ब्लू कलर में है छत्तीसगढ़ का रायपुर डिवीजन और फाइनली छत्तीसगढ़ के सबसे साउथ में येलो कलर में दिया गया है आपका बस्तर डिवीजन क्लियर तो नॉर्थ से साउथ देखें तो सबसे टॉप पे सरगुजा डिवीजन सरगुजा डिवीजन के जस्ट नीचे है बिलासपुर डिवीजन उसके बाद दो डिवीजन अगल बगल में है अगर हम देखें ईस्टर्न साइड से छत्तीसगढ़ के तो है रायपुर डिवीजन और छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न साइड में है दुर्ग डिवीजन और छत्तीसगढ़ के सबसे साउथ में है कौन सा डिवीजन तो बस्तर डिवीजन अब इन डिवीजन के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट दिस सरगुजा डिवीज़न, तो सरगुजा डिवीज़न में अगर वेस्ट से ईस्ट की ओर चले तो सबसे वेस्ट में है कोरिया डिस्ट्रिक्ट उसके जस्ट ईस्ट वर्ड आता है सूरजपुर सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट के तरफ है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर के जस्ट नीचे आपको मिलेगा सरगुजा डिस्ट्रिक्ट और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट में मिलने वाला है आपको जशपुर डिस्ट्रिक्ट मतलब सरगुजा डिवीजन में पांच डिस्ट्रिक्ट हैं कौन कौन से हैं तो कोरिया सूरजपुर बलरामपुर सरगुजा और लास्टली जशपुर अब सरगुजा डिवीजन के इमीडिएट साउथ में मैंने क्या बताया था आपको बिलासपुर डिवीजन है तो बिलासपुर डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? तो अगर हम चालू करें सबसे वेस्ट की तरफ से तो सबसे पहले है मुंगेली मुंगेली के जस्ट ईस्ट में आता है बिलासपुर बिलासपुर के नॉर्थ में है गौरेला पेंड्रा मरवाही विच हैपेंस टू बी द न्यूएस्ट एंड द ट्वेंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ फिर बिलासपुर के थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलें तो है कोरबा डिस्ट्रिक्ट कोरबा डिस्ट्रिक्ट के साउथ में है जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट और फाइनली सबसे ईस्टवर्ड्स है कौन सा डिस्ट्रिक्ट तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो पहले बिलासपुर डिवीजन में पांच डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे मुंगेली बिलासपुर कोरबा जांजगीर चांपा और रायगढ़ लेकिन अब नए डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन से एक सिक्स डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गया है जो जिसका क्या नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट इफ यू लुक एट दी दुर्ग डिवीजन तो दुर्ग डिवीजन में सबसे ऊपर है कवर्धा डिस्ट्रिक्ट जिसका 2003 में नाम चेंज होकर बन गया है कबीरधाम तो अब आप पढ़ते होंगे डिस्ट्रिक्ट का नाम कबीरधाम तो कबीरधाम कबीरधाम के नीचे है राजनाथ गांव उसके बाद तीन डिस्ट्रिक्ट ऊपर नीचे है बेमेतरा दुर्ग एंड बालोद तो दुर्ग डिविजन में भी पांच डिस्ट्रिक्ट तो कौन कौन से कबीरधाम राजनाथ गांव बेमेतरा दुर्ग एंड बालोद इसके जस्ट ईस्टवर्ड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो है रायपुर डिस्ट्रिक्ट अब अगर हम रायपुर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो एक तो रायपुर खुद हो गया उसके जस्ट नॉर्थ में है बलोदा बाजार और रायपुर के जस्ट साउथ में है क्या धमतरी उसके बाद सबसे ईस्ट में ऊपर नीचे दो डिस्ट्रिक्ट हैं एक है महासमुंद और दूसरा है गरियाबंद मतलब रायपुर डिवीजन में भी पांच डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से तो बलोदा बाजार रायपुर धमतरी और उसके बाद दो ऊपर नीचे महासमुंद एंड गरियाबंद फाइनली अगर सबसे साधर्ण डिविजन बोले जो कि है बस्तर डिविजन इस डिविजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो चालू करते हैं सबसे पहले कांकेर के साउथ में कोंडागांव के साउथ में बस्तर सबसे नीचे है सुकमा उसके बाद बस्तर के साउथ वेस्ट की तरफ है दंतेवाड़ा और उसके बाद फिर दो डिस्ट्रिक्ट ऊपर नीचे बीजापुर एंड नारायणपुर तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कांकेर कोंडागांव बस्तर नीचे सुकमा बीच में दंतेवाड़ा फिर दो ऊपर नीचे कौन कौन से तो बीजापुर एंड नारायणपुर तो ये है छत्तीसगढ़ के सभी ट्वेंटी एट डिस्ट्रिक्ट तो सरगुजा डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट पांच बिलासपुर डिवीजन में तो वी हैव सीन सिक्स डिस्ट्रिक्ट इन रायपुर एंड दुर्ग डिवीजन वी हैव फाइव डिस्ट्रिक्ट ईच इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप क्या करेंगे तो छत्तीसगढ़ का एक मैप लेंगे जिसमें सभी ट्वेंटी एट डिविजन हो ना हो तो आप बना लीजिए और उन्हें मैप पर एक बार लिख के प्लॉट करके देख लेंगे तो इनको मेमोराइज़ करने में आपको बहुत आसानी होने वाली इंट्रोडक्शन को आगे देखते हैं अपन तो सबसे पहले सी छत्तीसगढ़ का पार्टिसिपेशन काउंसिल ऑफ स्टेट्स में दैट मींस राज्यसभा में कितना है तो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं तो फाइव मेंबर्स क्लियर नेक्स्ट इफ वी लुक एट दी लोकसभा मतलब वी लुकिंग एट दी सेंट्रल लेजिस्लेचर वेर वी हैव सीन राज्यसभा नाउ वी आर लुकिंग एट दी लोकसभा तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा से 11 सीट्स हैं और उसमें रिजर्वेशन है कितना तो वन इज रिजर्व फॉर एस सी दी फोर सीट्स आर रिजर्व फॉर एस टी एंड सिक्स सीट्स आर अनरिजर्व तो हमारे यहां हो गया कितना वन फोर सिक्स तो आप याद रख सकते हैं वन फोर्टी सिक्स करके दैट इज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन छत्तीसगढ़ तो हमारे यहाँ लोकसभा में क्या रिजर्वेशन है या हाउस ऑफ पीपल में क्या रिजर्वेशन है तो वन फोर फोर्टी फोर इज फॉर एस टी एंड सिक्स आर अनिजर्व नाउ इफ यू लुक एट दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन छत्तीसगढ़ इज नाइनटी इन बुक्स यू मस्ट हैव सीन द फिगर नाइन्टी प्लस वन और नाइन्टी वन ऑल्सो मतलब पहले या तो नाइन्टी प्लस वन या नाइन्टी वन रहा होगा तो एक्चुअली ये जो एक सीट था ये रिजर्व था एंग्लो इंडियन के लिए लेकिन हाल ही में इन ट्वेंटी ट्वेंटी ओनली एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन जो है उसे हटा दिया गया है तो नाउ वी हैव ओनली नाइन्टी सीट्स इन आवर स्टेट लेजिस्टिव असेंबली जिसमें जो टेन सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व 29 ट्वेंटी जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है और नाउ इफ वी टॉक अबाउट दत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट इज दाइनटींथ हाईकोर्ट ऑफ इंडिया ठीक है तो जब बना तो इट वॉज हाईकोर्ट ऑफ इंडिया एंड The current seated Chief Justice of Chhattisgarh High Court is Justice P. R. Ramchandra Menon, who happens to be the 13th regular Chief Justice of Chhattisgarh. Now, if we talk about the local administration, that means the panchayats and the municipalities, the local administration in itself has been divided into two parts. फर्स्ट इज अर्बन एंड सेकेंड इज रूरल वंस अगेन आई टेल यू यहां पर हम सिर्फ म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इनके बारे में डिटेल हमें आगे पढ़ना है तो अगर अर्बन को देखें तो हमारे यहां फोर्टीन म्यूनिसपल कॉरपोरेशन हैं फोर्टी थ्री म्यूनिसपल काउंसिल्स हैं और 109 सिटी काउंसिल्स हैं इनके बारे में डिटेल इनके डिफरेंसेस और इनका पूरा स्ट्रक्चर फंक्शन जो है उसे आगे हमको देखना है डोंट वरी अबाउट दैट तो वहीं अगर हम बात करें रूरल की तो हमारे यहाँ है 27 जिला पंचायत जनपद पंचायत 146 और फाइनली ग्राम पंचायत है इलेवन थाउजेंड फोर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि छत्तीसगढ़ में वैसे तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 28 तो यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा है कि जिला पंचायत है 27 सेवन तो जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में दैट मीन्स गौरेला मरवाही वहाँ पे अभी तक जिला पंचायत नोटिफाइड नहीं है मतलब अभी जिला पंचायत वहाँ पे नहीं है तो एज ऑन डेट अभी 27 जिला पंचायत ही छत्तीसगढ़ में है नाउ लेट स्टार्ट दी मैपिंग सेक्शन मैपिंग में सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के नेबरिंग स्टेट्स तो दिस इज़ द मैप ऑफ छत्तीसगढ़ अगर हम टॉप से स्टार्ट करें तो पहला हमारा नेबर नॉर्थवर्ड है कौन सा तो स्टेट यूपी और अस गो क्लॉकवाइज नाउ तो उत्तर प्रदेश के बाद सेकेंड नेबर है झारखंड थर्ड नेबर है उड़ीसा फोर्थ उसके बाद आंध्र प्रदेश नेक्स्ट फिफ्थ इज तेलंगाना सिक्स इज महाराष्ट्र और फाइनली सेवेंथ इज मध्य प्रदेश तो फर्स्ट फैक्ट क्लियर कर लें आप लोग कि छत्तीसगढ़ के नेबर में कितने स्टेट्स हैं तो छत्तीसगढ़ के नेबर में है सेवन स्टेट्स ऑफ इंडिया अब देखो छत्तीसगढ़ खुद चारों तरफ सिर्फ स्टेट से घिरा है ना किसी इंटरनेशनल बाउंड्री में पार्टिसिपेट कर रहा है ना तो किसी सी को टचिंग है तो छत्तीसगढ़ इन इट सेल्फ इज एक्चुअली अ लैंड लॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया क्लियर तो हमने क्या देखा क्लॉकवाइज नॉर्थ से साउथ तो सबसे टॉप पे उत्तर प्रदेश उसके जस्ट साइड में था झारखंड के बाद हमने देखा उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश फिर हम आए तेलंगाना पे फिर महाराष्ट्र पे और उसके जस्ट ऊपर हमने देखा मध्य प्रदेश नाउ अस लुक एट कि ये जो रेस्पेक्टिव नेबरिंग स्टेट्स हैं इनके साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बाउंड्रीज को शेयर करते हैं तो अस लुक एट उत्तर प्रदेश फर्स्ट तो यू कैन सी उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बना रहा है बलरामपुर तो बलरामपुर इज दी ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ दैट एक्चुअली फॉर्म्स दी बॉर्डर विद द स्टेट उत्तर प्रदेश क्लियर नेक्स्ट लेटर सी झारखंड झारखंड के साथ बलरामपुर एंड जशपुर दी टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ दे एक्चुअली फॉर्म दी बॉर्डर विथ झारखंड स्टेट नेक्स्टली इफ यी लुक एट उड़ीसा देर आर एक्चुअली एट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विच आर शेयरिंग देयर बाउंड्रीज विथ उड़ीसा और कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट हैं तो यू कैन सी ही फर्स्ट इज जशपुर सेकेंड इज रायगढ़ थर्ड इज महासमुंद फोर्थ इज गरियाबंद फिफ्थ इज धमतरी सिक्स इज कोंडागांव सेवेंथ इज बस्तर एंड फाइनली द एट्थ डिस्ट्रिक्ट दैट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ उड़ीसा इज द डिस्ट्रिक्ट सुकमा नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ का एक ही डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाता है वो है सुकमा डिस्ट्रिक्ट तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट टचेज आंध्र प्रदेश क्लियर तो ये हमने चार नेबर देख लिए एक यूपी सेकेंड झारखंड थर्ड उड़ीसा फोर्थ प्रदेश नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड और अगर हम देखें तेलंगाना तो तेलंगाना जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बॉर्डर बनाता है छत्तीसगढ़ के पहला डिस्ट्रिक्ट है सुकमा और सेकंड डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर क्लियर है ये नेक्स्ट इफिश सी महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र चार डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बॉर्डर बना रहा है छत्तीसगढ़ के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं तो यू कैन सी दिस इज महाराष्ट्र बॉर्डर तो पहले बीजापुर सेकेंड इज नारायणपुर थर्ड इज कांकेर एंड फोर्थ इज राजनाथगांव नाउ फाइनली इफ वी टॉक अबाउट मध्य प्रदेश तो दिस इज प्रदेश बॉर्डर और मध्य प्रदेश के साथ सेवन डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के बनाएंगे अपना बॉर्डर तो so, पहला डिस्ट्रिक्ट राजनाथगांव सेकेंड इज कबीरधाम थर्ड इज मुंगेली फोर्थ इज गोरेला पिंड मरवाही फिफ्थ इज कोरिया इज सूरजपुर एंड सेवेंथ इज बलरामपुर क्लियर तो दीज आर एक्चुअली द डिस्ट्रिक्ट विच शेयर देर बाउंड्रीज विथ द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनको मैंने क्या कहा था लैंडलॉक्ट मतलब किसी नेबरिंग स्टेट से टच नहीं होने वाले कौन कौन से हैं तो पहले देखते हैं फर्स्ट इज सरगुजा सेकेंड इज कोरबा थर्ड इज बिलासपुर देन फोर्थ इज जंजगीर चांपा फिफ्थ इज बलूदा बाजार सिक्स इज रायपुर उसके बाद तीन लगातार सेवेंथ बेमेतरा एट्थ दुर्ग और उसके बाद नाइन्थ है बालोद और फाइनली टेंथ है आपका दंतेवाड़ा इसको अगर आपको ईजिली मेमोराइज करना है तो इसको आप डिविजन्स में तोड़ दीजिए अगर हम डिवीजन वाइज देखें तो सरगुजा डिवीजन में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है लैंड लॉकड और वो है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट खुद इफ वी कम टू बिलासपुर डिवीजन तो बिलासपुर डिवीजन में तीन ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि है लैंड लॉक तो एक है बिलासपुर खुद दूसरा है कोरबा और तीसरा है जांजगीर चांपा तो वन फ्रॉम सरगुजा डिवीजन एंड थ्री फ्रॉम बिलासपुर डिवीजन नाउ लेट अस कम टू दुर्ग डिवीजन तो दुर्ग डिवीजन में भी बेमितरा दुर्ग एंड बालो दीज आर थ्री डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रिक्टिच आर एक्चुअली लैंडलॉक्ट तो सरगुजा डिवीजन से एक बिलासपुर से तीन और दुर्ग से तीन टोटल हो गए कितने सेवन कम टू रायपुर डिवीजन रायपुर डिवीजन से कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो दो डिस्ट्रिक्ट हैं फर्स्ट इज योर बलौदा बाजार एंड सेकेंड इज योर रायपुर तो रायपुर डिवीजन से दो और फाइनली बस्तर डिवीज़न से कितना डिस्ट्रिक्ट है तो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है तो ऊपर सबसे नॉर्थ में सरगुजा से एक सबसे साउथ में बस्तर से एक तो वन प्लस वन हो गए टू उसके बाद बिलासपुर से तीन फिर नीचे बगल में दुर्ग से तीन और इधर रायपुर से दो कुल मिला के हो गए कितने टेन तो टेन आउट ऑफ द्वेंटी एट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आर एक्चुअली लैंडलॉक्ड। इसका मतलब कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो कि स्टेट बॉर्डर शेयर करेंगे किसी और स्टेट्स के साथ तो होंगे 28 एट माइनस टेन दैट इज एटीन डिस्ट्रिक्ट क्लियर तो ये क्वेश्चन 2017 प्री में आया भी था कि छत्तीसगढ़ के कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इंटर स्टेट बाउंड्री पे हैं डन इसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मल्टीपल स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं फॉर एग्जांपल बलरामपुर तो बलरामपुर मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के साथ भी कर रहा है यूपी के साथ भी शेयर करता है और इधर पे झारखंड के साथ भी करता है तो बलरामपुर इज वन स्टेट विच एक्चुअली शेयर इट्स बॉर्डर विद इन थ्री स्टेट्स अब सबसे साउथ में चलिए सुकमा सुकमा के रिस्पेक्ट में भी मैंने बताया था कि सुकमा उड़ीसा से भी करता है आंध्र प्रदेश से भी करता है और तेलंगाना से भी करता है दैट मीन्स सुकमा इज ऑल्सो वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच इज शेयरिंग इट्स बाउंड्री विथ थ्री स्टेट्स तो छत्तीसगढ़ में ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि तीन स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाते हैं पहला है बलरामपुर जो कि बनाएगा किसके किसके साथ तो सबसे पहले एमपी फिर यूपी फिर झारखंड और उसके बाद सेकेंड डिस्ट्रिक्ट है सुकमा जो कि बनाएगा उड़ीसा आंध्र प्रदेश और उसके बाद थर्ड तेलंगाना के साथ क्लियर इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जो कि दो स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए जशपुर तो जशपुर झारखंड और उड़ीसा दोनों के साथ बनाता है बॉर्डर एग्जाम्पल के लिए सेकेंड डिस्ट्रिक्ट है आपका बीजापुर बीजापुर महाराष्ट्र के साथ और तेलंगाना के साथ दोनों के साथ बनाता है बॉर्डर और थर्ड एग्जाम्पल है राजनाथ गांव तो राजनाथ गांव मध्य प्रदेश के साथ और महाराष्ट्र के साथ दोनों के साथ बनाता है अपना बॉर्डर mm -hmm. तो इसको अगर आप मैप पे देख लें तो इस इस दी और और दिस इज दॉर्डर बिटवीन उड़ीसा एंड झारखंड एंड दिस इज द स्टेट जशपुर विच इज टचिंग झारखंड फ्रॉम हियर एंड उड़ीसा फ्रॉम हियर इन सेम मैनर ये बॉर्डर है बिटवीन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना अब महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ दोनों के साथ देखें तो ये बीजापुर का जो हिस्सा है ये टचिंग है क्लियर थर्डली दिस इज बॉर्डर बिटवीन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र तो यू कैन सी राजनांदगांव जो मध्य प्रदेश के साथ भी टचिंग है और महाराष्ट्र के साथ भी टचिंग है तो छत्तीसगढ़ में ऐसे तीन डिस्ट्रिक्ट विचार नेम जशपुर बीजापुर एंड राजनाथगांव जो कि दो स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का लोकेशन एंड एक्सटेंशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टू अंडरस्टैंड वर्ड्स लोकेशन एंड एक्सटेंशन तो पहला जो वर्ड है लोकेशन लोकेशन मतलब कहां पे लोकेटेड है तो छत्तीसगढ़ कहां पे लोकेटेड है तो सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है सेकंड वर्ड आता है एक्सटेंशन एक्सटेंशन मतलब इसका विस्तार मतलब कहां से कहां तक फैला हुआ है क्लियर तो एक्सटेंशन को हम ग्लोब में कैसे बताते हैं तो बताते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के माध्यम से लेट अस कंसीडर दिस इज अ ग्लोब एंड दिस इज इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द ग्लोब व्हिच इज एक्चुअली डिवाइडिंग इट इन टू टू ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ तो ऊपर है नदर्न हेमिस्फीयर नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर तो ये कहलाएगा इक्वेटर और इसी के पैरेलल लाइंस जो हैं वो कहलाती हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या आसानी से मैं कह दूँ लैटिट्यूड्स। नाउ वंस अगेन इट इज़ अ ग्लोब अगर सेंटर से एक ऐसी लाइन बनाऊँ जो कि इसे ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में बांट दे तो ये है प्राइम मेरिडियन और सारी लाइंस जो कि इस नॉर्थ से निकले और इस साउथ पोल पे जाए कहलाएंगे क्या मेरी लॉन्गिट्यूड्स क्लियर तो जो ईस्ट की तरफ है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं जो वेस्ट की तरफ है कहलाते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड वैसे ही लैटिट्यूड्स जो नॉर्थ की तरफ है कहलाते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स और जो साउथ की तरफ है वो कहलाते हैं सदर्न लैटिट्यूड्स क्लियर तो एक्सटेंशन हम अर्थ पे या किसी भी मैप पे बता सकते हैं विद हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड

सेवेंटीन डिग्री फोर्टी सिक्स मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड और कहाँ पे है तो ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट में अब कुछ लोगों को यहाँ से कंफ्यूजन होने लगता है कि छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में था तो तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड होना चाहिए लेकिन छत्तीसगढ़ के साउथ में है तो ये तो सदन लैटिट्यूड होना चाहिए तो आपको ध्यान रखना है मैंने बताया था इक्वेटर के ऊपर के सारे लैटिट्यूड होंगे नदर लैटिट्यूड अब इंडिया तो इक्वेटर के ऊपर या नॉर्थ में ही सिचुएटेड है ना तो इंडिया से जितने लैटिट्यूड पास होंगे वो कैसे होंगे नदन तो जब इंडिया में सारे नदन है तो छत्तीसगढ़ में कैसे होंगे सारे नदन लैटिट्यूड क्लियर तो छत्तीसगढ़ में लगभग नॉर्थ से साउथ अगर हम लेंथ देखें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली सेवन हंड्रेड किलोमीटर्स क्लियर। नेक्स्ट अगर छत्तीसगढ़ का वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक्सटेंशन देखें तो छत्तीसगढ़ का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आता है कहां जशपुर में कितने लॉन्गिट्यूड्स पे तो 84 डिग्री 24 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स और छत्तीसगढ़ का सबसे वेस्टर्न एक्सटेंशन है कहां पे तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में 80 डिग्री 15 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे तो हमारे दोनों लॉन्गिट्यूड्स ईस्टर्न हैं क्यों क्योंकि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ है छत्तीसगढ़ और दोनों लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हैं क्यों क्योंकि छत्तीसगढ़ इक्वेटर के नॉर्थवर्ड्स है तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरे ग्लोब के नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट पे छत्तीसगढ़ लोकेटेड है नॉर्थ से साउथ तो लेंथ हमने देख लिया लगभग 700 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ का वेस्ट से ईस्ट में अगर हम लेंथ देखेंगे तो इट इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू फोर हंड्रेड एंड किलोमीटर हंड्रेड भी अप्रोक्सीमेट है फोर हंड्रेड थर्टी फाइव भी अप्रोक्सीमेट है द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी लर्न इज छत्तीसगढ़ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग कि अर्थ में ट्वेंटी थ्री एंड अ हाफ डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड को कहा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैपेंस टू पास फ्रॉम छत्तीसगढ़ तो लेट अस सी कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले याद रखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरगुजा डिविजन से ही पास होता है क्लियर हो गई ये बात और सरगुजा डिवीजन के भी कौन से डिस्ट्रिक्ट से तो फर्स्ट इज कोरिया सेकेंड इज सूरजपुर एंड थर्ड इज बलरामपुर तो याद रखेंगे कोरिया सूरजपुर एंड बलरामपुर ये तीन ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है सेकेंडली आईएसटी लाइन या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड तो ये जो आईएसटी है ये है एटी टू एंड हाफ डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स एंड दिस ऑल्सो हैपन्स टू पास फ्रॉम छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ के कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे ये आईएसटी लाइन पास होती है तो पहले देखते हैं इसको डिवीजन वाइज याद रखेंगे तो बहुत आसान है सबसे पहले सरगुजा डिवीजन में है कोरिया एंड सूरजपुर उसके बाद नीचे अगर हम आ जाए बिलासपुर डिवीजन में है तो कोरबा एंड जांजगीर चांपा और उसके बाद फाइनली आ जाए हम रायपुर डिवीजन में तो तीन है बलौदाबाजार महासमुंद एंड गरियाबंद तो सरगुजा डिवीजन से दो कौन कौन से कोरिया सूरजपुर बिलासपुर डिवीजन से दो कोरबा जांजगीर चांपा और फाइनली रायपुर डिवीजन से तीन बलोदाबाजार महासमुंद एंड गरियाबंद सबको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाते हैं कितने सेवन तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ के तीन डिस्ट्रिक्ट से पास होता है और आईएसटी लाइन छत्तीसगढ़ के सेवन डिस्ट्रिक्ट से पास होती है क्लियर इंटरसेक्शन भी छत्तीसगढ़ में ही होता है क्लियर तो इन दोनों कहा तो जगह सूरजपुर भी देखने को मिलेगा बट इट इज अकॉर्डिंग टू चिप्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी विच हैजीन टास्क बाई दत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू प्रर दैप्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड चिप्स है

एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे स्टेट एम्बलम में कौन कौन से कलर में हैं और वो किस किस चीज को डेजिग्नेट करते हैं तो लेट इट स्टार्ट ओवर सबसे पहला एलिमेंट है बैकग्राउंड तो यू कैन सी द बैकग्राउंड इज इन विच कलर तो इट इज इन वाइट कलर एम्ब्लम में सेकेंड एलिमेंट इज दीज फोर्ट्स फोर्ट का कलर क्या है तो कलर इज ग्रीन एंड वॉट इज द नंबर तो नंबर इज थर्टी सिक्स और द क्वान्टिटी आई शुड से तो व्हाट इज द क्वान्टिटी थर्टी सिक्स नंबर तो ये जो फोर्ट हैं नंबर में थर्टी सिक्स हैं क्यों क्योंकि नाम ही है छत्तीसगढ़ तो कितने होने चाहिए छत्तीस तो थर्टी सिक्स नंबर्स एंड कलर इज ग्रीन वॉट इज दिग्निफिकेंस तो इनका सिग्निफिकेंस है पहला परपेचुटी परपेचुटी मतलब अ स्टेट विच विल लास्ट फॉर एवर और सेकेंड इसका मतलब है हमारे फॉरेस्ट रिजर्व तो वी हैव ऑलरेडी सीन छत्तीसगढ़ का फोर्टी फोर पॉइंट टू वन परसेंट जो एरिया है वो क्या है फॉरेस्ट एरिया है तो सेकेंड इसका इन्फ्लेंस है क्या हमारे फॉरेस्ट रिजर्व्स नाउ थर्ड वी कैन सी एलिमेंट इज द नेशनल एम्बलम विच इज रिप्रेजेंटेड इन रेड कलर क्या सिग्निफिकेंस है इसका तो इसका सिग्निफिकेंस है ट्रूथफुलनेस एंड सॉलिडारिटी नेक्स्ट एलिमेंट वी कैन सी इज द पैडी स्टार्ट या जिसे कहते हैं धान की बालियां एंड व्हाट इज द कलर कलर इज गोल्डन तो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ इज बेसिकली एन एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट एंड इट आल्सो रिप्रेजेंट्स आवर प्रोस्पैरिटी क्लियर द नेक्स्ट एलिमेंट वी कैन सी इज द थंडरबोल्ट सिंबल विच आर एक्चुअली डिपेक्टेड इन ब्लू कलर विच रिप्रेजेंट्स दैट छत्तीसगढ़ इज अ पावर स्टेट ठीक है तो एनर्जी सेक्शन में इस पावर स्टेट को हम डील करने वाले हैं और फाइनली लास्ट एलिमेंट है दीज थ्री वेवी लाइंस कलर देखेंगे तो एक सैफरन है दूसरा लाइट ब्लू है और तीसरा ग्रीन है ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में जो रिवर्स और छत्तीसगढ़ के वॉटर रिसोर्सेस हैं इनको सिग्निफाई करता है आई होप यू गाइज हैिस वीडियो आज जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आप मेमोराइज़ कर लीजिए तो विद दिस आई एल साइन ऑफ एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लासेस थैंक यू